हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ पर राम राम जी, हम आज मटर मेथी मलाई बनाएंगे। यस। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो हमारे मटर छीले हैं। कितने जने? इतने चार। चार चार जने मटर छील रहे हैं। हाँ। अच्छा भाई, भंडारा है क्या? जी नहीं, इतने बता दो। मेथी मटर मलाई बनेगा आज। मेथी मलाई। हाँ। मटर बीच में बोल गए, चलो मटर अलग से बना लेंगे। ओ चीकू, ओ भाई हैं क्या? चीकू कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है इसके सारे। ना ना ना, आप नहीं उठाना, आप नहीं उठाना। ठंडी हो रही है। हाँ, क्या ले रहा तू हैं? क्या है भाई ये चीकू? ट्रक है या ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो नहीं है, ट्रक है ये। हाँ। और ट्रैक्टर कौन कह रहा है इसे? मैं कह रही थी। नहीं, वो चीकू कह रहा। ओ चीकू, ओ भाई तेरा ट्रैक्टर कार। ओ तेरी ट्रैक्टर फ्लो में चला रहा। ओ भाई, तुझे ठंड नहीं लगती क्या? चीकू को मैंने 3 बार सूज और सॉक्स पहना दिया है, लेकिन वो रख दिए वहाँ पे सूज, देखो। ओ भाई साहब, सुरक्षित। और इतना तेज है, सॉक्स भी सूज में ही रख देता है, निकाल कर इधर उधर नहीं फेंकता। चप्पल पहनी थी। और पूरी तरह से सुरक्षित रख दिए इसने तो जूते। भाई बचा रहा है तो जूते खींचने के भी नहीं। और जो चाचा जी की तरफ एक भैंस है ना, वो ज्यादा शोर मचाती है। अब भी पीछे से पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, एक भैंस है, उसकी भी हैप्पीनेस ओवरलोड हो रही है। बहुत खुश है वो, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रही है। अच्छी बात यह है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है उसके। होते हैं बहुत तेज चिल्लाती है। अच्छा जी, बहुत तेज, बहुत तेज। और कैसे करे? कौन करे नो? कौन करे नु? मैं मुर्गी करा। मुर्गी? मुर्गी तो देखी भी नहीं होगी तुमने शायद आज तक। देखी मुर्गी? मुर्गी। शाम का टाइम 4 बजे का, रसोई में कौन कौन है? मैं, मयंक। और मुझे तो भूल ही गए। चाय बना रही गुड्डू, और हेल्प करवा रहे हैं मयंक और चिंकी। चिंकी अभी आई है। अच्छा, चिंकी तो कुछ नहीं, छील रही थी मटर, छील रही थी, कुछ नहीं करते चिंकी हैं? ओ भाई रसोई, ओ तुमने तो यार इसका एक्सल ही निकाल, एक्सल ही निकाल लिया ट्रैक्टर का। लाग में जोड़ देती हूँ। ओ मैं कह रही थी भाई तोड़ देगा। ओ भाई, ओ वैज्ञानिक, क्या देखने आई थी? चाय बन गई है क्या? गुड्डू ने रख दिया है क्योंकि ये इसमें अभी दूध डालना बाकी है। दूध में से मलाई निकाल ले क्योंकि डिनर में मेथी मलाई मटर बनेगा। और ये इतना खुश क्यों है? अच्छा, गिलास लिए घूम रहा था। चाय चाहिए नहीं तुझे? चाय? ओ कूदो रे, कूदो कूदो भैया, कूदो, चाय मिलेगी। पापा। हाँ पापा, ये सबको पापा बब्बा माँ बता दे। अभी इसे यही कहना आता है पापा, इसलिए सब जो है, हाँ इसके हिसाब से सबके नाम पापा है। ओ के पीछे ही गड्ढा सा, उसमें गिर दिए ट्रक। अच्छा चल ठीक है, अब उसकी जान बच जाएगी। मलाई निकाल रही है गुड्डू अलग से, खाएगा कौन इसे? आज इसका डिनर बनेगा। डिनर मलाई का? मलाई मेथी मटर। मलाई मलाई मेथी मटर नहीं, और मटर मेथी मलाई। अच्छा मटर मेथी मलाई है, मतलब वो? तो वही हुआ ना। क्या मतलब हुआ? मलाई मटर मेथी, मेथी मटर मलाई, एक ही मतलब हुआ ना। मेथी मलाई मटर भी तो हो सकता है। हाँ कुछ भी कह लो। चलो खैर, चाय में दूध डल गया है और ये भर गया है पूरा पैन। हाँ। और पूरा पैन ये भर गया है, ये देखिए सबके हिस्से में एकदम झकास चाय आएगी। कप भर भर के, कप भर भर के, बड़ा वाला है ये सबके हिस्से में इतनी आएगी। अच्छा किसका है कब? ये तो मेरा। हाँ, ये आपका है। और ये देखो चाय, ये चाय। और चीकू फिरा लिया, तेरे सबर का बांध टूट चुका है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ
और यहाँ पर शाम का समय और कुछ स्पेशल लग रहा है थोड़ा सा देख के, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं काट के रखी गई हैं यहाँ पर, और कटोरियाँ भी कई तरह की हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल है ज़रूर। आरुषि भी देखने आ गई है। आरुषि क्या है ये? बोल दे, मीठी मटर मलाई। तेल है। तेल है? इसे तो तेल का पता। तेल खत्म हो गया इस वाली सीसी में, तेरे पापा टीन लेके आएंगे परसों। तेल की बोतल। और यहाँ पर देखिए ये बनेगी मेथी मटर मलाई। और सारी तैयारियां कर ली है हमने, अभी हम आपको सारी चीजें बताते हैं मैंने क्या क्या लिया है। हम अपने देसी तरीके से बनाएंगे मेथी मलाई मटर, बनने की तैयारी यहाँ पर है। और देखिए क्या क्या हुआ। धनिया की पत्ती, हरे धनिया की पत्ती, टमाटर प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, और ये हुआ काजू और प्याज का पेस्ट। ये हो गया काजू और प्याज का पेस्ट। और ये रही मेथी जो एकदम फ्रेश है, और ये मटर। ये दो तीन चीज़ हैं, मोटे वाली इलायची है और दालचीनी है और ये काली मिर्च है, और जो तेज पत्ता होता है वो ख़त्म हो गया है, तेल गर्म हो गया है इधर। ये देखिए सबसे पहले मैं यही डालूँगी इसमें, और अब डालूँगी जीरा। तो देखिए जीरा मैंने डाल दिया है, और अब सबसे पहले डालेंगे ये पेस्ट जो मैंने अदरक लहसुन और प्याज से बनाया है। जीरा हमारा भुन चुका है, अब इसे डाल देते हैं। और आरुषि भी सीख रही है, मेरा बच्चा यही खड़ा होकर सीख रहा है सब्जी कैसे बनाती है मम्मी। थोड़ा पीछे को हो जाओ बेटा, नहीं तो चीज लग जाएगी। और उसी ट्रेनिंग ले रही है, और ये देख रही है कि मेथी मलाई मटर कैसे बनते हैं, तो अभी ये भी सीख जाएगी और अगली बार खुद ही बताएगी हमें कि मेथी मलाई मटर इस तरह बनते हैं। और जब बड़ी हो जाएगी जब फिर मुझे सिखा करेगी कि मम्मी आप ये नहीं डालते थे, मैं ये डालती हूँ सब्जियों में। रही है ये रहा नमक, ये रही हल्दी, ये रहा गरम मसाला, मेथी, जीरा, ऐसे बता रही है मुझे। अच्छा इधर आओ, आप मेरी साइड में आओ बेटा, उधर दूध रखा है गरम। यहाँ पर जो है ये शाम का खाना है, दिन जो है वो विदाई लेता हुआ, अभी शाम के 5 बजे हैं, तो अंधेरा होने में थोड़ा ही वक्त बचा है, क्योंकि 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है आजकल। इसमें जो है ये छोंक तैयार हो चुका है, और अब क्या डालने वाला है इसमें? मसाले डालूंगी मैं। देखिए अगला स्टेप जो है वो मसालों का है। मिर्च पाउडर, देखो ये भी बता रही है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये हल्दी पाउडर, और ये हाथ से बनाया हुआ, घर का बनाया हुआ गरम मसाला, और डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला है, और धनिया पाउडर। ये सारी चीजें डाल दी है, अभी इन्हें पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। जब ये दोनों चीजें इसमें थोड़ा सा रंग छोड़ देगी तब इसमें डालूंगी मैं टमाटर। देखिए पक चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। हाँ बेटा ये मलाई है, हाँ जो आप हाँ इसे खाएंगे। और देखिए मेथी मटर मलाई बनाने के भी सबके कई सारे तरीके हैं, लेकिन हमारा यही तरीका है। अभी हमारा टमाटर जो है वो किनारों से तेल छोड़ दिया है इसने। मेथी मलाई मटर है या मेथी मटर मलाई? मेथी मटर मलाई है। अच्छा, और ये काजू और प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया था, अब इसे डालेंगे। देखिए कितना जम गया है, एकदम कैसे उतरा है। ठंडा मौसम है, ये जम चुका है काजू का पेस्ट, और इसमें मिक्स कर दिया गया है, और कुल मिला के ये मेथी मलाई मटर है, तो ट्रिपल एम है ये, ट्रिपल एम है, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, मेथी मलाई मटर, तीनों एम में से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। और अब इसे पकाने के बाद में डालेंगे ये मेथी जो मैंने धोकर छोटी छोटी सी काट कर रख ली थी, और मेथी के डंठल नहीं होने चाहिए, बस पत्तियां पत्तियां होनी चाहिए इसके लिए। तो मेथी मैंने डाल दी है इसमें, अभी हम इसे चलाते रहेंगे, और इसमें जो हल्का फुल्का कड़वाहट होता है वो इस तरीके से पहले डालने से जो है फ्राई करने से मसालों में ख़त्म हो जाता है। अभी थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें मटर, और
मेथी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, अब डालेंगे इसमें। और मेथी जो है मसालों में फ्राई हो चुकी है, अब मैंने इसमें डाल दिया मटर। मटर डालने के बाद में इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। और मसाले ने देखे किनारे से जो है अच्छे तरीके से तेल छोड़ दिया है। अब डालेंगे इसमें मलाई। मलाई और मलाई डालने के बाद में अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इससे जो है इसका रंग भी बदल जाएगा। और इसने देखिए कितना अच्छी जो है ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। और अब मैं डालूंगी इसमें पानी। सब्जी हमारी ये पक चुकी है और पानी डालने लायक हो गई है। और पानी मैंने रख लिया था यहाँ पर ही अपने पास में ही, सब सामान रख लेती हूँ जब खाना बनाती हूँ, बार बार यहाँ से उठना नहीं पड़ता है। तो पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में अब इसे थोड़ी सी चलाएंगे। चलाने के बाद में इसे थोड़ा ढककर पकाएंगे। और तब तक हम अपने धनिया की पत्ती जो है काट लेंगे। तो धनिया पत्ती हमने काट ली है, अभी हमारी सब्जी पक रही है। देखिए उसमें हमने डाल दिया धनिया पत्ती। अभी इसको चलाएंगे मिक्स करके, थोड़ा सा वो ढककर पकाएंगे। और जब सब्जी हमारी पक जाएगी अच्छे तरीके से, तब आपको दिखाते हैं हमारी कैसी बनी है ये सब्जी। और देखिए ये हमारी मेथी मटर मलाई की सब्जी बनके तैयार है। और यहाँ पर प्रीति ने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है। अब सबको लगा कर देंगे और बाद में अपने आप खाएंगे। धुआं बहुत उठ रहा क्योंकि ये पराठे बना रही मक्खन के बच्चों के लिए। अच्छा आरो सारो टीचिंग की बटर पराठा। तो सबसे पहले मैं खीस बनने के लिए रखूंगी। और ये दूध मैंने छान दिया है, जिस गाय की आज ही डिलीवरी हुई है सबसे पहले उसी का दूध गर्म कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया है। माँ बोल रही थी कि इसमें पानी डलेगा और फिर वो बैठकर इसे चलाती रहेंगी और मैं सबको देऊंगी रोटियाँ लगा कर। देखिए अभी जो खीस बनाने का मोर्चा है वो माँ ने संभाल लिया है क्योंकि माता जी के हाथों से अच्छा बनता है। ये इसे लगातार चला रही है और मैंने इन्हें ये गुड़ दे दिया है। हमने बोला है कि इसमें गुड़ डालना कच्चा मीठा, तो देखिए माँ ने ये गुड़ डालना शुरू कर दिया है इसमें। और खीस बन जाएगा तब दिखाएंगे। माँ बहुत अच्छा बनाती है, टेस्टी खीस बनाती है एकदम। अब इसे लगातार चलाना है और किस स्टेज में इसको उतारना है चूल्हे पे से वो माँ को पता है हमसे ज़्यादा। हम अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, माँ पक्की खिलाड़ी हो चुकी है एज के हिसाब से। और उन्हें सब चीज़ों को पता है कौन सी चीज़ कैसे और टेस्ट उसमें किस चीज़ से ज़्यादा आएगा। माँ ने बोला चीनी डालू या गुड़, मैंने कहा गुड़ डालो उसमें अच्छा बनता है। तो माँ कह रही हाँ गुड़ में ही ज़्यादा बढ़िया है, पहले हम तो गुड़ तो ही बना करते। और ये देखिए अभी थोड़ा सा देखिए अंधेरा हो चुका है और आज हमने ये अपने कपड़े भी नीचे ही सुखा दिए हैं, लेट धुले थे थोड़ी सी देर बाद क्योंकि अरविंद भैया आ गए थे। कुछ थोड़ा सा हो ही जाता है जब भी कोई घर में कितने दिनों में आता है तो उसके साथ में बच्चों के साथ में लग जाते हैं। और अभी बच्चा पार्टी सब अंदर कंबल में बैठे हुए हैं और प्रीति उधर बर्तन साफ कर रही है गर्म पानी में। क्या क्या माँ खीस दिखाइयो कैसा बनाया। तो खीस बनकर तैयार है, ये देखिए माँ ने कितना अच्छा खीस बनाया है। तो चलिए अभी खाना पीना सब कुछ हो गया था और बर्तन भी साफ हो चुके हैं, अब हम सबको देंगे ये दूध। आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम।